पूछते हैं, क्या बावजू रहने से रिज्क में इजाफा होता है? अगर हाँ तो हिकमत पूछ रहे हैं वो, क्यों इजाफा होता है जबकि ज़ाहिर में तो रिज्क का ताल्लुक इससे नहीं है, तो फिर क्यों? बस ऐसी कोई सरीह रिवायत तो नहीं मिल सकी, अलबत्ता एक रिवायत से कुछ इशारा मिलता है। और वैसे फ़ी नफ्सी ही बावजू रहने के बाकी बहुत सारे फ़वाद हैं और उसके बरक़ात हैं, और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। और इसी तरह ख़ातिमा बिलखैर और दीगर यानी जैसे तिलावत इबादत, इसकी तौफीक मिलती है। तो बावजू रहने के फ़वाद तो बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उससे रिज़्क़ में बरकत होती है, ऐसी कोई रिवायत सराहत से हमें नहीं मिल सकी।